वैलेंटाइंस डे का वीक चल रहा है, सभी निब्बा निबिल लगे हुए हैं, हम सिंगल्स मूवीज देखने में बिजी हैं, खुश हैं। तो चलो, हमारे जले पे नमक छिड़कने छिड़कती हुई एक और नई मूवी है, ये तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। नाम इसका इतना डिफरेंट है, याद करने में मुझे 4 से 5 मिनट लग गए। कैसी है ये मूवी, चलिए इस पे बात करते हैं। पर चलो, जैसे कि सभी निब्बा निब्बियों का डायलॉग होता है कि मेरी वाली सबसे अलग है, तो इसमें इस मूवी में क्या अलग है, चलो इसी बात पे हम डिस्कस करते हैं। शाहिद कपूर का काम इस मूवी में एक रोबोटिक इंजीनियर का है, जो हमारी तरह ही सिंगल है, क्रश उसको भैया बोल के चली जाती है। उसकी बुआ उसको अमेरिका बुलाती है कि बेटा आजा, तेरा मन यहाँ पे लग जाएगा, और उसका मन लग भी जाता है वहाँ पे, पर एक लड़की पे नहीं, एक रोबोट पे। सोचो क्या ही बात होगी, क्या ही माइंडसेट होगा कि भाई रोबोट के साथ कैसे। वो अलग बात है कि कोई लड़कियां भाव ना दे तो ये लास्ट ऑप्शन है, पर शाहिद कपूर को इससे थोड़ी कुछ ना फर्क पड़ने वाला है। वो तो ले जाता है सीधा रोबोट को अपने घर पे, और अपने पेरेंट्स से बोलता है, माई लाइफ इज माई फ्यूचर वाइफ, मिलो इससे। पर ऐसे कॉन्सेप्ट पे मूवीज काफी कम ही बनती है, लाइक रोबोट, आई एम नॉट ए रोबोट। वैसे ये मूवी बॉलीवुड की है, तो हमें वैसे ही पता है कि बॉलीवुड मूवीज़ में ज़्यादातर क्या ही देखने को मिलता है, वल्गेरिटी। वो भी हमें इसमें ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो। आदि पुरुष में भी जिन्होंने वल्गेरिटी नहीं छोड़ी, वो तो इस मूवी में है ही क्या। पर वल्गेरिटी को छोड़ के ये मूवी काफ़ी कई चीज़ों में ऐसे कॉमेडी, फनी रिप्रेजेंट की गई है हमें। कुछ सीन्स तो ऐसे आएंगे जहाँ पे आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, पर जैसे भोजपुरी मूवीज में मूवीज की तरह इसमें भी दिमाग लेके घर जाना मत, दिमाग घर से बाहर लेके जाना मत। यानी कि इसमें लॉजिक कहाँ है भाई, लॉजिक या तेल लेने ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती। यानी आपको दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने, आपको बस मूवी इंजॉय करनी है। कई सीन्स पे हम इसमें इमोशनली कनेक्ट भी हो जाते हैं, लाइक क्लाइमेक्स, जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। कॉमेडी से शुरू होता हुआ क्लाइमेक्स कहाँ से कहाँ पे चला जाता है, जो कि सीधा इशारा है कि रोबोट आखिरकार एक रोबोट होती है, उससे कुछ अलग आप उम्मीद नहीं कर सकते। पर सीतारामम, तू झूठी में मक्कार, जरा हटके जरा बचके के बाद कोई बढ़िया मूवी आई है जिसको हम ऐसे देख सकते हैं, प्योर प्योर रोमांस के रूप में। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें या बांटें कि कौन सी कैटेगरी में फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, तो मैंने इसको 3 लिस्ट में बांटा है, कॉमेडी, प्योर लव और इमोशंस।